हे गाइस, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और अभी सुबह के बज रहे हैं 11:30, जस्ट उठ गए हैं। और अब थोड़ा दिनचर्या स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लेट हो चुका है, दिनचर्या काफ़ी बिगड़ गया है। रात में बहुत लेट नींद हो रहा है और काफ़ी देर से उठ रहा है। सुधारने की कोशिश करेंगे, फिलहाल चलते हैं। आज मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है, धूप दिख रहा है बाहर। एक बार आपको भी दिखाते हैं कुछ ऐसा मौसम हुआ है। हवा तो नहीं दिख रहा है चलते हुए, जरा से महसूस भी नहीं हो रहा है, लेकिन धूप हुआ है ठीक ठाक। ले कपड़े आ जाओ, चलते सूझ जाए तो जी चलते हैं। थोड़ा पहले फ्रेश वगैरह होते हैं, फिर निकलेंगे वॉक वगैरह के लिए, और फिर देखते हैं क्या बनाते हैं आज ब्रेकफास्ट। तो मिलते हैं, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, और लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो फाइनली बाहर आ गए हैं और काफ़ी अच्छा धूप है, थोड़ा सा तेज है लग रहा है। फील्ड में थोड़ा सा फील्ड के अंदर वॉक कर लेते हैं, और एज यूजल यहाँ पे आर्चरी की प्रैक्टिस चल रही है। सो पीछे उधर जो दिख रहा है आपको बोर्ड, उसी पे आर्चरी की प्रैक्टिस करते हैं लोग। काफ़ी ज़बरदस्त धूप हुआ है पूरा। थोड़ा देर चलते हैं, थोड़ा देर टहलेंगे पर निकलते हैं। टाइम 12 बजे के करीब हो चुके हैं। फाइनली अपना ब्रेकफास्ट रेडी है, और ब्रेकफास्ट में आज बने हैं पोहे। सो गाइस पोहे खाते हैं और आपसे मिलते हैं। नवरात्रि का प्रथम दिन है, नवरात्र से स्टार्ट हो रही है, तो आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। माँ दुर्गा सबके जीवन में खुशियां भरें और सब पर कृपा बनाए रखें। एज अभी जस्ट अपना एक प्रोडक्ट आया है, अभी स्लिप फ्लिपकार्ट सेल चल रही थी तो उसी से एक ऑर्डर मंगाया था, उसी से एक सामान मंगाया था। सो आ चुका है, अभी डिलीवर हुआ है, वो जस्ट थोड़ी देर पहले डिलीवर हुआ है। सो इसकी थोड़ी देर में अनबॉक्सिंग करेंगे, बट उससे पहले अपना चाय पी लेते हैं, रेडी है। तो ये जस्ट चाय भी रेडी कर लिए हैं, पहले चाय भी लेते हैं नहीं तो ठंडा हो जाएगा। सो अनबॉक्स करते हैं इसको। सो कुछ ऐसे पैकिंग होके आया है अपना ये सामान, गेस कर सकते हैं आप क्या है इसके अंदर। सो ओपन हो चुका है, और आपको ओपन होते ही दिख गया होगा कौन सा प्रोडक्ट है ये। तो एक बार इसको ओपन करके निकालते हैं। तो अपना जो मेन प्रोडक्ट है उसकी पैकिंग कुछ इस प्रकार है, और अब इसके अंदर से खोलते हैं इसको। इसको ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमको ये माइक मिला हुआ है, केबल वाला माइक है। माइक के बाद ये मिला है जो जस्ट माइक के ऊपर ही था। सो जी ये है अपना मेन प्रोडक्ट, देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। जैसा कि मैंने इसका फोटो देखा था, जैसा इसका पिक था ऑर्डर करते समय, वैसे ही लग रहा है। तो ये है अपना मेन प्रोडक्ट ट्राईपॉड। काफ़ी दिक्कत होता था वीडियो वगैरह स्टेबल करके शूट करने में। सो अपना ट्राईपॉड कुछ खड़ा करने के बाद ऐसे दिखता है प्रोडक्ट। आप काफ़ी ठीक है, अभी प्राइस काफ़ी, जिस हिसाब से प्राइस है उस हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। सो होप आपको इसका अनबॉक्सिंग पसंद आया होगा। बस इतना ही था अनबॉक्सिंग में, और कुछ तो है नहीं दिखाने को। बाकी इससे फ़ोन और कैमरा दोनों यूज़ कर सकते हैं। और जो अपने को लास्ट में प्रोडक्ट मिला था इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है, स्क्रू था इसके अंदर, हो गया। बाकी इसके इसको कम बेसी कर सकते हैं इसको, बाकी इसको ऊपर नीचे करके यहाँ से आप अपने हाइट के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। बस यही है अपना आज का अनबॉक्सिंग, होप आपको पसंद आया होगा। सो गाइस अभी बज चुके हैं 1:40, और अपना लंच रेडी है, तो लंच कर लेते हैं। टाइम हो चुका है, और लंच में आज क्या बना है आपको भी दिखाते हैं। सो गाइस जा रहा था लंच करने, तभी अचानक और अपना एक और प्रोडक्ट आ चुका है फ्लिपकार्ट से, तो इसकी अनबॉक्सिंग कल के वीडियो में करेंगे। फिलहाल अभी चलते हैं, लंच करते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। वीडियो देखना ना भूलें, आज टाइम नहीं है वरना मैं अभी तुरंत अनबॉक्सिंग कर देता, पर एक अनबॉक्सिंग पहले ही हो चुका है, उसको कल के लिए बचा के रखते हैं। वैसे आज के लंच में है दाल, आज तड़का नहीं लगाए हैं, बिना तड़के वाली खा रहे हैं, एंड और चपाती है, ये रात में बनाए थे, बस इसको गर्म करते हैं और दाल रोटी खाते हैं, निकलते हैं। तो कल की तरह आज भी सोए हुए हैं। सो रेडी वगैरह होकर निकल चुके हैं बाहर, और बाहर का माहौल। तो गाइस फाइनली रूम पे आ चुके हैं, थोड़ा रेस्ट वगैरह करते हैं, एंड डिनर की थोड़ा देर में तैयारी वारी करेंगे। गाइस डिनर वगैरह रेडी कर रहे हैं, तो दिन में बना के गए थे लंच में दाल, और अभी उसको फ्राई कर रहे हैं, और साथ ही साथ चावल रेडी हो चुका है। इधर दाल फ्राई का तैयारी चल रहा है, उसमें लहसुन मिर्चा जीरा और प्याज भुना गया, टमाटर के साथ नमक भी पड़ गया, मसाले वगैरह ऐड करते हैं, भूजते हैं। और सो मसाले, सो सारे मसाले पड़ चुके हैं, और थोड़ा देर के लिए इसको, अब इसको थोड़ा बॉयल आने के लिए छोड़ देते हैं,
थोड़ी देर में ये एक बॉयल आएगा उतार देंगे, तो अपना दाल फ्राई रेडी हो जाएगा। और इधर अपना चावल बनके तैयार है, डिनर अपना करते हैं और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। तो आज नवरात्रि का पहला दिन था और दिन है आज थर्सडे, कल है अपना वीकली ऑफ। कल देखते हैं कहीं आस पास निकलेंगे सुबह या दोपहर में एक्सप्लोर करने के लिए, तो कल का ब्लॉग जरूर देखिएगा। फिलहाल अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।